अबुधाबी में हुए विश्व यूथ मिक्स मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भारत देश ने अच्छा प्रदर्शन कर 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। इन 5 पदकों में 1 सिल्वर व 1 ब्रॉन्ज पर छत्तीसगढ़ प्रदेश के खिलाड़ियों ने कब्जा किया। मंगलवार को प्रदेश के खिलाड़ियों सहित MMA के राष्ट्रीय कोच नितिन सिंह भी अपने शहरी निवास पहुंचे, जिनका गर्मजोशी से गदा चौक सुपेला पर स्वागत सम्मान किया गया। भारतीय MMA टीम ने अबू धाबी में हुए विश्व प्रतियोगिता 2022 में 5 प्रतिष्ठित पदक जीते हैं, जिसमें से छत्तीसगढ़ राज्य ने 2 पदक अपने नाम किए, जिसमें रजत पदक बालिका वर्ग यूथ ए लाइट वेट कैटेगरी में पलक नाथ जगदलपुर से एवं बालिका वर्ग में ही यूथ सी 40 किलोग्राम वर्ग में अवनी नेथानी भिलाई ने भारत के लिए कांस्य पदक अर्जित किया। छत्तीसगढ़ राज्य से ही तर्षित यलमचिल्ली भिलाई द्वारा मेजबान देश UAE के खिलाफ बालक स्ट्रॉ वेट कैटेगरी में भारत को पहला विजय मुकाबला दिया गया। तीनों ही खिलाड़ी टीम इंडिया के राष्ट्रीय कोच नितिन सिंह के निर्देशन में वॉरियर्स एकेडमी में कड़ी मेहनत कर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से राष्ट्र का गौरव बढ़ा रहे हैं और देश के लिए इतिहास रच दिया है। भारतीय टीम MMA इंडिया के अध्यक्ष श्री शरीफ बापू की अगुवाई में पहली बार युवा वर्ग विश्व चैंपियनशिप में भाग ले रही थी, जिसकी मेजबानी IMMAF के तत्वाधान में UAE MMA फेडरेशन ने 17 से 21 अगस्त 2022 को अबू धाबी में किया। इस प्रतियोगिता में 42 राष्ट्र के 500 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। छत्तीसगढ़ प्रदेश के दोनों ही पदक विजेता 23 तारीख को अपने गृहग्राम भिलाई पहुंचे, जहां गदा चौक सुपेला पर उनका गर्मजोशी के साथ ढोल नगाड़े को बजाते हुए स्वागत किया गया। स्वागतकर्ताओं ने हाथ में तिरंगे थाम रखे थे और फूल मालाओं से विजेताओं का स्वागत सम्मान किया जा रहा था। साथ ही विजेता खिलाड़ियों एवं पूरी टीम को विजय तिलक भी लगाया गया और मिठाई खिलाकर मुंह मीठा किया गया। विश्व प्रतियोगिता में मेडल जीतकर आए खिलाड़ियों ने अपने अनुभव को मीडिया के साथ साझा किया। साथ ही भारतीय युवा टीम के कोच नितिन सिंह एवं भारतीय MMA की चिकित्सा प्रमुख डॉक्टर दिव्या सिंह ने बताया कि सभी खिलाड़ी शारीरिक व मानसिक तौर पर पूरी तरह दक्ष थे, जिसकी वजह से वह अपना सर्वोच्चम प्रदर्शन इस विश्व प्रतियोगिता में कर सके। बेटा, इंटरनेशनल फाइट थी, किस तरह की ट्रेनिंग थी, आप कितना कॉन्फिडेंट थी कि मेडल आ पाएगा? मैं पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट थी, क्योंकि सर ने मुझे बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दिया था। सुबह शाम मैं 6 आवर्स से ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही थी, तो मुझे पता था मेरा मेडल। आप फाइनल बाउट खेली हैं, किसके साथ था और कैसा रहा वो बाउट? मेरा फाइनल राउंड USA के साथ था, बहुत टफ राउंड था, मैं 3 राउंड खेली, बहुत क्लोज मैच था। मोर देन 50 कंट्रीज से आए थे और बहुत अच्छा टूर्नामेंट था, सब लोग बहुत टफ कंपटीशन दे रहे थे, हम भी अच्छे से लड़े, मेडल आए, 5 मेडल्स आए इंडिया के। इंडिया बहुत अच्छे से लड़ा है इस बार, फर्स्ट बार ये वर्ल्ड चैंपियनशिप किया, बहुत अच्छा था। मज़ा आया, पहली बार इंटरनेशनल फाइट करने गया था अबू धाबी में, फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा था। अगली बार अगर सबका सपोर्ट रहेगा तो पक्का पोडियम पे अपना नेशनल। कहीं कुछ नर्वसनेस लग रही थी आपको? पहले बाउट में बहुत नर्वसनेस था, फर्स्ट टाइम का प्रेशर ज़्यादा था। जीत कस रहे किसी तरह पूछा कम कैस पर मेरे पेरेंट्स और मेरे कोचेस। क्या पहले तो देश का नाम था पूरा छत्तीसगढ़, पहले तो तहे दिल से पूरे भारत देश का, पूरे प्रदेश का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। ये MMA का वर्ल्ड चैंपियनशिप था जो यूथ कैटेगरी का था, जिसमें हमारे भारत से 15 खिलाड़ियों ने भागीदारी दिखाई और 5 मेडल हम भारत लेकर लौटे हैं, जिसमें से 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज हमारे छत्तीसगढ़ी प्रदेश के बच्चों ने जीता। और साथ ही साथ इंडिया का एकमात्र ऐसा खिलाड़ी है वाई कश्यप, जिसने UAE के वहाँ के शेख के बच्चों को हरा कर यहाँ लौट कर आए हैं हमारे बच्चे। हमारे 3 खिलाड़ी गए थे छत्तीसगढ़ प्रदेश से, जो इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जिसमें पलक नाग हैं जो कि जगदलपुर से हैं, और उनका है सिल्वर मेडल यूथ ए लाइट वेट कैटेगरी में, और हमारे जो अवनी हैं, अवनी यूथ सी कैटेगरी की 40 kg की प्लेयर है, उस बच्ची का ब्रॉन्ज मेडल रहा है, उसने अपने सेमीफाइनल में यूक्रेन के खिलाड़ी को हराया है।
और पलक ने यूएसए के खिलाड़ी को के साथ फाइनल खेला है। दर्शित यलमनचेरी जो हमारे बच्चे हैं उन्होंने बहुत अच्छा टफ फाइट था, बिकॉज उनके कैटेगरी में 32 फाइटर्स थे, आउट ऑफ 42 कंट्री से 32 फाइटर्स थे। उस बच्चे ने इतना अच्छा अपना प्रतिभा वहाँ दिखाया है कि लोगों ने आज के डेट में हिंदुस्तान का लोहा मान लिया है वहाँ, और नेक्स्ट टाइम हम 100% गोल्ड मेडल लेकर लौटेंगे। कब से कब तक थी प्रतियोगिता वहाँ पे? ये प्रतियोगिता 17 से 20 अगस्त को थी अबू धाबी में, यूएई में। टीम हमारी 15 अगस्त को यहाँ से निकली थी और आज लौट कर वापस आ रही है। टोटल इंडिया को 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज है। बच्चों का तैयारी सिर्फ ट्रेनिंग से नहीं होता, फिटनेस से भी देख रहे थे हम लोग। मैं एज अ टीम डॉक्टर देख रही थी बच्चे बिना इंजरी के जाएं, क्योंकि इंजरी के साथ बच्चे मेडल नहीं ला सकते। तो हम लोग सारी तैयारी करके रखे थे, उनके डाइट, उनका फिटनेस, उनका ट्रेनिंग सेशंस एग्रेसिवली कर रहे थे, क्योंकि इस बार सवाल देश का था। एमएमए बहुत ही रिस्की गेम है जैसा मैंने देखा है, मेंटली तो सर ने तैयार कर दिया था, फिजिकली कैसे तैयार किया था आपने? फिजिकली हम लोग ध्यान देते हैं कि इस एज में जो बच्चों का रिक्वायरमेंट होता है फिजिकल स्टेटस का, उसको हम बहुत ही बारीकी से नोट करते हैं। और एमएमए ऐसा नहीं है कि बहुत खतरनाक गेम है, इसमें बच्चों के लिए रूल्स एकदम सेपरेट होते हैं, और ये बच्चों के लिए क्या किसी के लिए भी ना गेम बहुत सेफ बनाया जाता है। यूनिफाइड रूल्स फॉलो करते हैं, इसमें फेस पे पंचेस अलाउड नहीं होते, हैवी स्ट्राइक्स अलाउड नहीं होते, और इसमें बच्चों की ट्रेनिंग शुरू से ही इस तरह से कराई जाती है जिस कैटेगरी में वो पार्टिसिपेट करते हैं। अभी तो ये इंटरनेशनल मैच हो गया, इसके बाद कहाँ की तैयारी है? अभी बच्चे थोड़ा सा सेलिब्रेट करेंगे, इसके बाद अगली चैंपियनशिप एशियन होने वाली है, बहुत जल्दी उसका अनाउंसमेंट होगा, और वो जूनियर्स और सीनियर्स कैटेगरी के लिए होगा, उसमें छोटे बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो हमारी टीम वॉरियर्स अकेडमी की टीम तैयार है, छत्तीसगढ़ प्रदेश की टीम तैयार है अगले इंटरनेशनल चैंपियनशिप में रॉक करने। चेतावनी दे रहे हैं सामने वाली टीम को? हाँ बिल्कुल दे रहे हैं चेतावनी, हमारे हिंदुस्तान से सारे मेडल बटोरेंगे। यह खेल अत्याधुनिक अनुशासित है एवं इसमें एमएमए एकीकृत नियमों की प्रणाली होती है जो इसे सभी के लिए सुरक्षित खेल बनाती है। खासकर 18 वर्ष की आयु से कम आयु वर्ग के लिए एमएमए खेल के खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित व सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।